उद्योग आधार क्या होता है और ये कैसे लिया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे, जिसका मेन रीजन ये था कि लोगों के पास कोई भी ऐसा आधार नहीं था जिसके जरिए वो यह बताए कि वे भारतीय नागरिक है। सरकार योजनाएं तो बहुत देती थी पर आम लोगों तक उसके लाभ नहीं पहुंच पाते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सरकार को ये महसूस हुआ कि नहीं, हमारी जो जनता है उसकी पूरी गिनती हमारे पास नहीं है, और जो जो योजना हम लोगों के लिए दे रहे हैं और जो एलिजिबल है वो उन तक पहुंच नहीं रही है। तो वैसे में सरकार ने एक पहचान पत्र बनाया, उसके बाद फिर आधार कार्ड, जिससे आप कहीं भी अपनी पहचान के तौर पर दिखा सकते हैं। आज के समय में जिससे पता चलता है कि आप कौन है, कहां से है, क्या नाम है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, वो अपना आधार कार्ड दिखा अपनी पहचान दे सकता है कि ये उस देश का नागरिक है, जिसमें जो भी उस देश में योजना आएगी उसका लाभ ले सकता है और जो भी नियम कानून है वो सब ये फॉलो करेगा इस आधार कार्ड के तहत। अब यहाँ हम बात करें आधार उद्योग क्या है। हम यहाँ आधार उद्योग की बात करें तो ये भी आपके बिजनेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे आप आधार कार्ड नंबर कहते हैं, जो 12 अंकों का होता है। इसी तरह आपके बिजनेस का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे पता चलता है आपका बिजनेस इसलिए है और इस बिजनेस से आप ये सारी चीजें करते हो और इससे आपका घर चलता है और भी कई सारी चीजें। और एक इंसान एक आधार कार्ड नंबर से कई सारे उद्योग रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं अगर आपके पास उद्योग आधार है तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और किस तरीके से आप ये को ये मिल सकता है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पास उद्योग आधार है तो आपको MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के सारे फायदे मिलेंगे। मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मतलब कि सीमांत एवं लघु उद्योग है। जितने भी नॉर्मल उद्योग हमारे भारत में देश में चल रहे हैं उनको जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं, जितने भी सरकार की तरफ से बेनिफिट दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे पूरे तरीके से। सरकार के द्वारा चलाए गए हर योजना के लाभ के साथ साथ में यहाँ पर अगर कभी आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो आप सिर्फ अपने उद्योग आधार की मदद से आसानी से लोन प्राप्त कर सकेंगे। और अगर आप कहीं गए भी होंगे लोन के लिए तो मुद्रा योजना के तहत भी आपको बैंक वालों ने ये जरूर कहा होगा कि आपके पास उद्योग आधार है या नहीं है। मतलब उद्योग आधार की मान्यता काफी ज्यादा है। इसी के साथ जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें भी काफी हद तक कटौती मिलेगी। जो आपका टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो होगा, उसमें भी आपको भारी मात्रा में छूट मिलेगी अगर आपके पास उद्योग आधार मौजूद है। साथ ही आपका एक बड़ा फायदा यह है कि सरकार टाइम टाइम पर अलग अलग तरीके के आयोजन करती रहती है। जितने भी व्यापारी भारत में लघु एवं सीमांत जितने भी व्यापारी हैं तो उन सबके लिए सरकार टाइम टू टाइम यहाँ पे आयोजन करती रहती है। इसी के साथ में अगर आप विदेश व्यापार करते हो तो उस सिचुएशन में भी आपके पास उद्योग आधार मौजूद है तो जो भी आयोजन सरकार करेगी उसमें आपको बुलाया जाएगा। तो आप विदेश से व्यापार करते हैं तो आपके लिए काफी सहूलियत मिल जाएगी अगर आपके पास उद्योग आधार मौजूद है तो। साथ में यहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं अगर आप उद्योग आधार के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज आपका यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ एंड जो भी आपका बिजनेस है, गुमास्ता लाइसेंस जो आपने लिया है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, इसे आप कैसे ले सकते हैं लास्ट वीडियो में पता चला था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके पास शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस होना चाहिए। इसी के साथ शॉप अगर रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट या फिर NOC मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास में जरूर होना चाहिए। करें इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो इसके लिए उद्योग रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आपको जाना होगा, जहां आप इसके लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर आपका उद्योग आधार रेडी हो जाता है, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अब आपके पास आपके बिजनेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मौजूद है जिसके तहत आपको आपके बिजनेस का एक अलग पहचान मिल चुकी है, जिससे आप लोन भी ले सकते हैं और कई सारे फायदे वाली सरकार की योजना है तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये थी छोटी सी वीडियो कैसे आप उद्योग आधार ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिएगा।